देखिए यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। योगी क्या है आप सभी जानते हैं। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए और वो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किए हैं सबको मालूम है। मठ चलाने वाले लोग हैं, जब चलते थे तो सैकड़ों राइफल लेकर चलते थे। पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या, बलात्कार लगता है कि आम चीज हो गया है। उनकी बात क्या करते हैं, बिहार में वो मॉडल नहीं लागू हो सकता। देखिए यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और यूपी मॉडल पे पूरे देश में हर स्टेट को काम करना चाहिए। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए। जो स्थिति बिहार में है, लॉ ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या, बलात्कार लगता है कि आम चीज हो गया है। डेली अखबार में पढ़ रहे हैं कि इधर लूट हो गया, इधर अपहरण हो गया, इधर बलात्कार हो गया। अब बच्चे का किडनैप करके हत्या कर देना, इससे बड़ा शर्मसार करने वाली घटना कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये तो शर्मनाक घटना, बिहार पुनः पूरे देश दुनिया में शर्म से बिहार का शर्म झुका जा रहा है। ये पूरे राज्य की स्थिति है, पुनः बिहार डूबने की स्थिति में। सवाल ये है सर कि आलोक मेहता है वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से थोड़ी कहा है कि आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी बिहार। देखिए आलोक मेहता क्या कह रहे हैं वो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता बिहार के घटना को देख रही है। पूरा बिहार जो है ना, पूरे देश में पुनः शर्मसार हो रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, बच्चे का हत्या हो रहा है, इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है। लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, अपर हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है और अपराधी ऐसे घूम रहा है जैसे लगता है कि प्रशासन के देख रेख में ये अपराध कर रहे हैं, पूरा प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये स्थिति बनी हुई है पूरे राज्य में अपराधियों का। योगी क्या है आप सभी जानते हैं। योगी जी अभी माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किए हैं सबको मालूम है, इसलिए वो योगी नहीं है। वो एक मठ चलाने वाले लोग हैं, जब चलते थे तो सैकड़ों राइफल लेकर चलते थे। उनकी बात क्या करते हैं, बिहार में वो मॉडल नहीं लागू हो सकता। बेटा की घटना पर ये दुखद बात है, बेटा की घटना बहुत दुखद बात है और मैं उसकी निंदा करता हूं और जो लोग भी पकड़े गए हैं उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।